मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीकापुर विधानसभा के बालासराय मैदान में बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक के समर्थन में जुटी जनसभा में कहा कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों व दलितों का उत्पीड़न भाजपा शासनकाल में हुआ है। कहा कि भाजपा के 5 साल के शासनकाल में 500 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या की गई है। सभा को सतीश मिश्रा के पुत्र कपिल मिश्रा ने भी संबोधित किया। पेश है एक रिपोर्ट। इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने लगभग पिछले 10 साल से इस प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और अब तो इनके सरकार को 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अब तक तो 14 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी केंद्र में मिला के, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है, और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं तो ये सरकार बदले में उनको सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। ऐसी सरकार का वादा किया था इन्होंने। साथियों, वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। ये लोग आजकल जैसे सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है और हर कोई, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई किसी ना किसी एंगल मोबाइल फोन के जरिए या लैपटॉप से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और ये आप सब लोग जानते हैं कि इसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में। और आप सबसे मैं बल्कि ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का आप सब लोग भी खुलकर इस्तेमाल करें और इनके झूठे प्रचारों का प्रसारों का खुलकर विरोध करें, और इसी के माध्यम से आप हमसे जुड़े। जो आप लोग अपनी तकलीफें, खासतौर से नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी तकलीफें इस सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़कर आप लोग अपनी तकलीफें हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी। और इस चीज का मैं आश्वासन देता हूं आप सबको कि आपकी एक एक तकलीफ आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं खुद करूंगा।